नमस्कार। 26 जुलाई 26 जुलाई 1999 इस दिन से भारत में कारगिल युद्ध विजय दिन मनाया जाता है। 90 के शतक में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमन शांति भाईचारे और समझौते का प्रस्ताव लेकर पाकिस्तान गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाब शरीफ ये सब नहीं चाहते थे, उन्हें ये सब मंजूर नहीं था। वो तो कश्मीर को लेकर युद्ध ही करना चाहते थे और युद्ध हो गया। ये युद्ध करीबन 2 महीने तक चला और इस युद्ध में कामयाब और शहीद हुए भारतीय वीर जवान और जिगरबाज सैनिक पूरी दुनिया में एक ऐसी वीरता की मिसाल है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और हम हर एक भारतीय को उन पर बहुत बड़ा गर्व है। इसलिए इस दिन भारत में खास तौर से युद्ध विजय दिन मनाया जाता है। कारगिल पहाड़ियों से ढका हुआ एक ऐसा निर्जन इलाका है और आबादी नहीं के बराबर। इतना जटिल इलाका होने के बावजूद भी भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A वहाँ से गुजरता है और कोई दुश्मन इन चोटियों पर कब्जा कर लेता है तो राजमार्ग से पूरी तरह देश का संपर्क लेह से हो जाता है। और तो और कारगिल 4 घाटियों का प्रवेश द्वार भी है। तो पाकिस्तानी सेना लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कश्मीर को अपना निशाना बनाना चाहती है। 1999 के पहले 1948, 1965, 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने की असफल कोशिश की। कश्मीर, कारगिल घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के विषय में बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। 1999 में इस क्षेत्र में पाकिस्तान ये सुनिश्चित योजना बना चुका था लेह से घुसपैठ श्रीनगर को जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा करें ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख से ज़रूरी चीज़ों की पूर्तता को रोकना और साथ ही द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा खुलवाना। इसके अलावा चूहा घाटी, बाल्टिक और तुतुर्क क्षेत्रों की पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत को सियाचिन से पीछे हटाना और नियंत्रण रेखा में बदलाव करना, शिमला समझौते को खत्म करना और कश्मीर को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। पाकिस्तान ने ये योजना बड़ी चालाकी और सोच समझकर 1998 में बना ली थी और उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त उत्तर कश्मीर के उत्तरी इलाकों का दौरा भी किया था और उन्होंने ये उनकी साजिश षड्यंत्र को पाकिस्तान की आर्मी से भी छुपा के रखा था। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शांति प्रस्ताव को ठुकरा कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युद्ध कर कश्मीर को पाने के लिए अपनी ही जीत पर अड़े रहे। 1947-48, 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना से हार चुकी थी। इस बात से बदले की भावना से मुशर्रफ अपने मन की खुमखुमी को बाहर निकालना चाहते थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय हवाई सेना ने 14 मई 1999 में कारगिल ऑपरेशन शुरू किया। नेवी ने भी इनका साथ दिया। पाकिस्तान ने इस युद्ध में घुसपैठियों और आतंकवादियों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के इस बहुत ही नापाक हरकतों से अमेरिका जैसे दूसरे देश भी सोच में पड़ गए। 18,000 फीट ऊंचाई से बर्फों की चट्टानों में रहकर सर्द और दर्दनाक सहकर भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। इस युद्ध में अपने अनेक भारतीय जाबाज शूरवीर योद्धाओं ने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया है। बहुत ही कठिन और मुश्किल हालातों में हमने इस विजय को प्राप्त किया है। इस युद्ध में सिर्फ 19 वर्षीय ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 15 गोलियां लगने के बावजूद भी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। बड़े साहस से, बड़े हिम्मत से इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 24 वर्षीय राइफलमैन संजय कुमार कमर और पाँव में लगी गोलियों से घायल होते हुए भी जान की बाजी लगाकर आखिरी सांस तक लड़ते रहे, इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विजय बत्रा मरणोपरांत परमवीर चक्र, विक्रम बत्रा मरणोपरांत परमवीर चक्र, 24 वर्षीय मनोज पांडे मरणोपरांत परमवीर चक्र, मेजर राजेश अधिकारी, कैप्टन अनुज अय्यर, विजयन थापर, लेफ्टिनेंट क्लिशिंग क्लिफोर्ड नोंगलम, कैप्टन एन केंगरूज, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पद्मपानी आचार्य, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, नायक दिगेंद्र कुमार और मेजर सोनम वांगचुक, इन सभी शूरवीरों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब जब भारत ने पाकिस्तान के सामने शांति, अमन, भाईचारा और समझौते का प्रस्ताव रखा
तब तब पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतों को अपना कर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो उन्हें बस इस बात का सबक सिखाकर एक बार जवाब देना ज़रूरी था। 1947 साल में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन धर्म के आधार पर और पाकिस्तान विभाजन की कीमत पर स्वतंत्र रूप से दुनिया के नक्शे पर आ गया और दोनों के बीच सिलसिला शुरू हुआ। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को तो बस बहाना मिल गया हमसे लड़ाई करने का। भारत ने कई बार समझाने पर पाकिस्तान नहीं माना और युद्ध के लिए अपनी ही जीत पर अड़ा रहा। उसे समझाने की हमारी हर कोशिश नाकामयाब रही। हमारी ही धरती पर आकर हम पर ही आक्रमण करने वाले पाकिस्तान को एक बार उनकी इस कायरता का जवाब देना और उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे शूर योद्धाओं ने उसी वक्त सर पर कफन बांधकर कसम ली थी, या तो जीत हासिल ही कर लेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं। हमारे ये योद्धा हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा और दुर्दम्य इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे देश का गौरव है, मान है, सम्मान है, अभिमान है, शान है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। इन सभी शूरवीर योद्धाओं ने इस जीत के लिए अपना बलिदान दिया है, इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। उनका स्मरण करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको शतशाह नमन। धन्य है यह हमारे भारत माता, यहाँ पर ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया। 26 जुलाई भारत के गौरवशाली इतिहास में एक ऐसा आम दिन, लेकिन इस आम दिन को इन जवानों की वीरता ने ऐसे खास दिन बना दिया है। ऐसा कभी न भूलने वाला दिन आज आया है और इसी दिन को हम पूरे भारत में कारगिल युद्ध विजय दिन के रूप में हर साल मनाते आए हैं और हर साल मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पुश करके ऑल को क्लिक करें।